मुंबई में गिर गया था तो ये बेहोश हो गया था, 8 घंटा बेहोश था। सेवा में इसका इलाज हुआ है, पूरा एकदम फर्स्ट क्लास, अभी एकदम अच्छा है, कोई चीज का टेंशन नहीं। कहाँ किया फिर ऑपरेशन? सेवा हॉस्पिटल। तो डॉक्टर पहले क्या बताते थे कितना खर्चा होगा? डॉक्टर ये तो जैसा गिरा वैसे हम उसको लेके गए वहाँ पे सेवा हॉस्पिटल में। हाँ। और वहाँ पे जैसे योजना में बैठा है उन्होंने, 1 रुपए भी यानी मुझे लगा नहीं। गरीबी और बीमारी का दुष्चक्र ऐसा है कि धनी परिवार भी बीमारी का इलाज करवाते करवाते गरीब हो जाए, फिर गरीब की क्या ही बिसात। और शायद इसीलिए देश के गरीब गुरबा के लिए स्वास्थ्य बीमा के बारे में भी किसी प्रधानमंत्री ने सोचा पहली बार। बीमार नहीं रहे लाचार, सबको मिले बढ़िया और मुफ्त उपचार। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत 1 साल में 5 लाख रुपए तक का अस्पताल का खर्चा भारत सरकार और इंश्योरेंस कंपनी मिलकर के देगी। मोदी सरकार के 8 सालों में भारत हुआ आयुष्मान, क्योंकि समाज के सबसे निचले और वंचित वर्ग को पहली बार मिला 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। 17.9 करोड़ आयुष्मान कार्डों से लगभग 50 करोड़ लोगों को मिला है मुफ्त इलाज का वरदान। आयुष्मान भारत न्यू इंडिया के क्रांतिकारी कदमों में से एक है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये देश के सामान्य मानवीय के गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये भारत के रूप में 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। आयुष्मान भारत मिशन में अब बीमार नहीं लाचार, अब तक 3.28 करोड़ लोगों का हो चुका मुफ्त उपचार। भारत की शिल्पकार मोदी सरकार, नई भारत की शिल्प